डीजीपी अशोक जुनेजा ने बैठक ली। पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की डीजीपी अशोक जुनेजा ने बैठक ली। कई पुलिस अधीक्षक दफ्तर नहीं आते, इसके साथ ही ट्रक हड़ताल को लेकर भी कई पुलिस अधीक्षकों पर बरसे। डीजीपी ने कहा कि हर 15 दिन में जिलों का दौरा करें, बिना एसपी को बताए किसी भी थानों में पहुंचे और जिलों का दौरा किया जाए। और स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, एक बैठक भी ली गई और इसके साथ ही निर्देश भी दिए गए हैं कि हर 15 दिन में जिलों का दौरा किया जाए। देखिए, खुद उन्होंने कहा है, मैं खुद हर 15 दिन में हर जिले का दौरा करूंगा और सबसे बड़ी बात है कि एसपी को बताऊंगा ही नहीं कि मैं कौन से थाने आया हूँ। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत चरमराई है छत्तीसगढ़ की। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा अगर इसी टेन्योर पे जिस तरह से रुख दिखा रहे हैं, शायद एक दो साल पहले दिखा देते तो छत्तीसगढ़ की ये स्थिति नहीं होती। किसी ने मना तो किया नहीं था काम करने के लिए। अभी सरकार आई है तो हर कोई अपने नंबर बढ़ाना चाहता है, हर कोई ये दिखाना चाहता है कि वो बेहतर काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। कई कई जिलों के एसपी को डीजीपी का फोन नहीं उठाते, कई जिलों के एसपी दिन दिन भर ऑफिस ही नहीं आते, तो ऐसे में कहां से काम हो पाएगा? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार खराब हो रही है। दूसरी मत पूछिए, हड़ताल अगर हो रही है तो एसपी क्यों उसको टेक ओवर नहीं करते, क्यों उसको खत्म कराने का प्रयास नहीं करते? हर चीज अगर पुलिस मुख्यालय से ही बताई जाएगी तो फिर एसपी का क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर को तत्काल दुरुस्त किया जाए और जो भी लोग आते हैं उनकी बात सुनी जाए। जब आप ऑफिस में ही नहीं तो लोगों की आप व्यथा क्या जान पाएंगे? बहुत ज्यादा आज नाराजगी व्यक्त की उन्होंने और खुद अपनी बात करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तत्काल खत्म कर दिए, किसी एसपी को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। तो आज अलग रूप में नजर आए अशोक जुनेजा जो डीजीपी है छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल आदित्य जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और खबर